भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल के डिप्टी सीएम का पद विवादों में आ गया है। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री इस पद पर शपथ भी ले चुके हैं और पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन सोलन से विधायक कर्नल धनीराम शांडिल इस पद पर अपना दावा जता रहे हैं। इसके लिए वह सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली तक पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह के साथ सोलन सदर के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का नाम भी सीएम की रेस में था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब उन्हें मंत्री पद के लिए भी लॉबिंग करनी पड़ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शांडिल की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डिप्टी सीएम के पद पर दावा जताते हुए एक पत्र भेजा गया है। वह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं सोलन जिले के उनके साथ अर्की के विधायक संजय अवस्थी और दून के विधायक राम ठाकुर भी मंत्री पद की रेस में शामिल है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अभी तक के घटनाक्रम से कर्नल शांडिल खुश नहीं है। सोमवार को विधायकों की अनौपचारिक मीटिंग में भी वे शामिल नहीं हुए। की ओर से अब डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी जताई जा रही है। मंत्रिमंडल की घोषणा से पहले प्रदेश कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं, इनमें कर्नल शांडिल भी शामिल हैं। हालांकि वे इस समय किसी से बात नहीं कर रहे हैं और उन्हें अपने इस मिशन को गोपनीय रखे हुए हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि शांडिल की सोनिया गांधी से नजदीकियां हैं, इसलिए उन्हें सोनिया गांधी से ही उम्मीद है। शांडिल की वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए मंत्रिमंडल में उनका शामिल होना पक्का माना जा रहा था, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने खेमे में कई विधायक को एडजस्ट करना है। ऐसे में शांडिल का नाम फिट रनर्स में नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।